वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ कोरोना वायरस का कहर अब पूरी दुनिया में फैल चुका है। यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर स्थित अमेरिका, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन समेत लगभग सभी देश कोरोना की मार झेल रहे हैं, लेकिन वुहान से महज 950 किलोमीटर दूर ताइवान ने अपने देश में कोरोना को बेकाबू होने से पहले ही रोक दिया है। इसका एक उदाहरण यह है कि वुहान से न्यूयॉर्क की दूरी करीब 12,000 किलोमीटर है और वहां कोरोना मरीजों की संख्या 3,96,000 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है और मौतों का आंकड़ा तो 30,000 के पार पहुंच गया है। लेकिन वहीं ताइवान में सिर्फ 453 ही कोरोना के केस हैं और कुल 10 से कम लोगों की मौत हुई, जो ये साबित करता है कि कोरोना की जंग में ताइवान का कोई सानी नहीं। लेकिन ये सब कैसे हुआ? क्या है ताइवान की कोरोना पर जीत की कहानी? जानिए इस रिपोर्ट की। दरअसल बताया जाता है कि दिसंबर के आखिर में वुहान के एक अस्पताल में चीनी डॉक्टर ली बेनलियांग ने सबसे पहले कोरोना वायरस के बारे में बताया था, पर चीनी सरकार ने डॉक्टर ली की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और उन पर अफवाहें फैलाने का आरोप लगा दिया। इसके कुछ समय बाद ही डॉक्टर ली की मौत हो गई, लेकिन इस दौरान ताइवान के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने ली द्वारा बताई गई इस नई बीमारी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया, साथ ही इसकी रोकथाम की दिशा में काम करना भी शुरू कर दिया। ऐसे में चीन ने जिस डॉक्टर की चेतावनी को नजरअंदाज किया, ताइवान ने उसे ही मानकर अपने देश में अलर्ट जारी कर दिया और कोरोना के कहर से अपने को बचाने में कामयाब रहे। दरअसल 31 दिसंबर को जैसे ही चीन में अचानक कोरोना के 27 नए मामले सामने आए, ताइवान सरकार ने एडवाइजरी जारी कर वुहान से आने वाले हर एक शख्स की स्क्रीनिंग शुरू कर दी। इसके साथ ही जो लोग पिछले 15 दिन में वुहान से लौट कर आए थे, उन सभी की निगरानी भी होने लगी। लेकिन जब मामले लगातार बढ़ने लगे तो ताइवान ने 26 जनवरी को ही चीन से आने वाली और चीन जाने वाली सभी तरह की उड़ानों पर रोक लगा दी। साथ ही चीन से लौटने वाले हर एक शख्स के लिए क्वारंटाइन गाइडलाइन भी जारी कर दी। यही नहीं, कोरोना के बढ़ते मामले देख और मास्क की जरूरत को समझते हुए ताइवान सरकार ने 24 जनवरी को ही मास्क के एक्सपोर्ट पर टेम्परेरी बैन लगा दिया। इस बैन को बाद में जून तक के लिए बढ़ा दिया गया। हालांकि इस दौरान मास्क खरीदने की गुड़ ना मचे, इसके लिए 3 फरवरी को ताइवान सरकार ने मास्क खरीदी के लिए ऑड इवन फार्मूला लागू कर दिया। हालांकि रविवार के दिन सभी को मास्क खरीदने की छूट थी और यही नहीं, मास्क नहीं लगाने वालों पर 15,000 ताइवान डॉलर यानी करीब भारतीय मुद्रा के हिसाब से 38,000 रुपए का फाइन वसूलने का ऐलान ताइवान सरकार की ओर से किया गया। इन सब के बीच ताइवान में दुनिया में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद फरवरी में ही अल्कोहल का प्रोडक्शन 75% बढ़ाने का आदेश दे दिया ताकि इसका इस्तेमाल सैनिटाइजेशन में हो सके। इसके साथ ही मार्च के महीने में ताइवान सरकार ने डिजिटल थर्मामीटर के एक्सपोर्ट पर भी रोक लगा दी। कंपनियों को पीपीई किट का मास प्रोडक्शन करने को कहा गया ताकि इसे अमेरिका से इंपोर्ट न करना पड़े। इतना ही नहीं, 1 मई से यहां हैंड सैनिटाइजर और डिसइंफेक्टेंट का एक्सपोर्ट भी बंद कर दिया गया। तो इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि कैसे चीन के इतने पास होने के बावजूद भी ताइवान में कोरोना के 500 से भी कम केस और 10 से कम मौतें हुई हैं, जिसके बाद अब कोरोना से निपटने में ताइवान मॉडल की हर तरफ तारीफ हो रही है। फिलहाल कोरोना से जुड़े हर अपडेट के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।